जैसा कि पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, ज़ारा को लगता है ये लोग ना यहाँ पे शायद रिसोर्स बेटिंग टोकन के लिए यहाँ पे लड़ाई कर रहे थे, जिसके चलते उसने कहा था कि बाइकी जाके जो रिसोर्स बेटिंग टोकन है ना उसे जल्दी करके लेके आ जाओ। जो सुनने के बाद चोर ने बाइकी भी वो बॉक्स को लेकर आता है, लेकिन उसे ओपन करने के बाद यहाँ पर ज़ारा को पता चलता है ये तो कोई रिसोर्स बेटिंग टोकन नहीं है, इसके अंदर ना एक सिटी का ओनरशिप है। जो लड़की इस बॉक्स के लिए फाइट कर रही थी वो देख लेते हैं कि हम लोग जो ज़ारा था ये बॉक्स को तो ऑलरेडी ले चुके हैं। जो देखने के बाद वो लड़की बहुत ही गुस्सा हो जाती है, गुस्से में आके हम लोग ज़ारा से कहते हैं कि वो बंदे तेरे हिम्मत भी कैसे हो, हम लोग जिसके लिए लड़ाई कर रहे थे तूने उसे चुरा लिया, वैसे भी अगर दम है ना तो मर्द की तरह हम लोगों के साथ आकर लड़ाई कर। साहब कहते हैं वैसे भी रेन सिटी का ओनरशिप लेकर ना मुझे कोई फायदा ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अगर इसे एक्सचेंज करता हूँ ना तो इसके बदले मुझे बहुत सारे रिसोर्स तो मिले गए। जो सुनने के बाद ना वो लड़की तो और भी गुस्सा हो जाते हैं और मुझे ना तुम जैसे बंदे एकदम पसंद नहीं है। जो सुनने के बाद अभी साहब कहते हैं कि ये जो बंदे हम लोग सामने देख रहे हो ना ये बहुत ही पावरफुल है, ये जोगवान क्लैन से आते हैं और वैसे भी इन लोगों के पास तो कुछ गोल्डन बॉडी का टेक्निक रहता है, मैंने उन लोगों के एल्डर के साथ एक बार मुलाकात किया था, वो एल्डर ना बहुत ही अच्छा था। जो सुनने के बाद वो लड़की तो और भी गुस्सा जाता है, कहते हैं तुम झूठ किससे कह रहे हो, वैसे भी हम लोग जो एल्डर है ना बहुत ही अच्छे और तुम जैसे कोई डरपोक और चोर के साथ बात तो एकदम ही नहीं करेंगे, वैसे भी मुझे ना और गुस्सा मत दिलाओ, जल्दी करो जो बॉक्स है वो हम लोग को दे दो। तभी उसको भाई भी पीछे से कहते हैं हाँ हाँ जल्दी करो बॉक्स को दे दो वरना बहुत बुरा होगा। लेकिन तभी ना पीछे से दो तीन बंदे कह रहे हैं ये तो जाओ मिल गया, इसके साथ फाइट ना करा ही अच्छा है, चलो भाग जाते हैं। ये कहने के बाद वो लोग तो भाग जाते हैं। जब वो लड़की देखते हैं कि हम लोग जाओ मिल गए तो इसका उत्तर ही नहीं दे रहा, तो जाओ मिल के ऊपर ना वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ी रही थी। भी हम लोग जाओ ना उस बॉक्स को उस लड़की तरफ फेंकते हैं और कहते हैं ले लो तुम्हारा बॉक्स और जाके कहीं पे डूब मरो। और जो देखने के बाद ना वो लड़की तो बहुत ही खुश हो जाती है और उस बॉक्स को कैच करके उसके भाई से कहते देखो देखो उस बंदे ने ना जो बॉक्स था वो तो दे दिया। उसका भाई सोच रहा था देखो तो मेरे बहना कितना बददिमाग है, उसके पास तो बॉक्स आ गया लेकिन बॉक्स के अंदर जो चीज रहना चाहिए वो तो है ही नहीं। जहाँ पे जाओ और नैनसर में सोच रही थी इस बंदी के पास दिमाग नाम का चीज़ है या नहीं है, और तभी ना उसका जो भाई था वो गुस्से के साथ उसे अटैक करने के लिए आगे बढ़ा था। और जहाँ पे वो लड़की बॉक्स खोलने के बाद चौंक जाती है और कहती है क्या इसके अंदर वो चीज़ ही नहीं है। और यहीं पर उस बंदी को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद ना हम लोग प्यारी भाई की उसके सामने एक बड़ा सा बर्फ का वॉल कर देते हैं। और तभी ना वो बंदा भी सोचा था कि उस वॉल को तो आसानी के साथ तोड़ लेगा, लेकिन दो तीन पंच मारने के बाद भी ना उस वॉल का इतू सा भी खर्च नहीं आता। और ये देखने के बाद उसका सिस्टर तो गुस्से में आते और गुस्से में आते हुए अपने जो यहाँ पे गोल्डन बॉडी का ऑरा था ना उसे रिलीज करने लगते हैं, और इसी के साथ उसका जो मार्शल सोल था यानी कि एक बुल का सोल को निकाल दिया। और ये देखने के बाद जाओ कहते हैं वही बंदी तू यहाँ पे इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, वैसे भी तूने बॉक्स को मांगा था मैंने तो तुझे बॉक्स दे दिया ना। और यहीं पर वो लड़की ना धर्राम करके जाके जो वाल था उसे तो तोड़ देता है, जिसके चलते इतना बड़ा इंपैक्ट आता ना उसका भाई भी यहाँ पे उसके इंपैक्ट से हिल जाता है। जहाँ पर उस लड़की को अपने सामने देखने के बाद ना जाओ तो डर ही गया था, लेकिन तभी बाइक ही अपने पावर का फिर से इस्तेमाल करता है, जिसके चलते अभी वो लड़की ना पूरी तरीके से बर्फ में जम चुका होता है। और ये देखने के बाद उसका भाई तो बहुत ही गुस्से आ जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुआ मेरे सिस्टर के साथ ऐसा वैसा हरकत करने का। और इसी के साथ वो फिर से हम लोग जाओ को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बाइकी इसे भी ना अच्छी तरीके से जमा के रख देता है। और तभी हम लोग जाओ कहते हैं वैसे भी तुम्हें क्या लगा था, अभी हम लोगों ने तुम्हारे सिस्टर जो तुमसे पावरफुल था उसे तो जमा चुका हूँ, और क्या तुम्हें हम लोग जमा नहीं सकते, वैसे भी तुम लोग तो अभी बाइकी का बनाए हुए कुल्फी हो जो कि ना दो घंटे से पहले पिघलता नहीं है, तो तुम लोग यहाँ पे अच्छे से रहना। और ये सुनने के बाद ना वो बंदा तो अंदर ही अंदर रोने लगता है। और तभी अभी ना अचानक से मिस यंग कहीं से तो आ जाते हैं, जो आने के बाद हम लोग जाओ को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि यंग मास्टर मुझे माफ कर देना, वैसे भी मैं यहाँ पे बहुत ही जल्दी में था इसीलिए ना अचानक से आप लोगों के सामने आना पड़ा, लेकिन मैंने ना आपके लिए बहुत ही जरूरी न्यूज लेके आ चुका हूँ। जो सुनने के बाद अभी जाओ कहते हैं क्या है जल्दी से बको। जो सुनने के बाद अभी मिस यंग कहते हैं आपको तो पता ही है कि रॉयल क्लैन के जितने बंदे आपको मारने के लिए यहाँ पे बेसब्री से वेट करें, और यहीं पे ना सब जितने भी क्लैन हैं सब बंदे एक साथ आपको मारने के लिए ना फर्स्ट के आउट कार्ड में जमा हो चुके हैं। जो सुनने के बाद जाओ कहते हैं चलो चलो जल्दी चलो हम लोगों को ना वहाँ पे ले चलो क्योंकि थोड़ा सा तो मज़ा हम लोगों को भी करना है। जो सुनने के बाद मिस यंग करते हैं ठीक है माय लॉर्ड मुझे फॉलो कीजिए मैं आपको ले जाती हूँ, और इसी के साथ मिस यंग को फॉलो करते हैं हम लोग जाओ और नैनसा ना उसी बाकी रॉयल क्लैन के बंदे के पास जाने लगते हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हम लोग को एक रुइंस का सीन दिखाता है जहाँ पर कि बाकी सारे बंदे ना जमा हो चुके थे, जहाँ पर बहुत पावरफुल ड्रैगन तो थे लेकिन यहाँ पे ना बहुत खतरनाक टाइप के एनिमल भी थे। तभी हमें बाकी सारे बंदे आपस में बात कर रहे थे कि आज हम लोग ना जाओ को मार देंगे उसे इतने आसानी से जाने नहीं देंगे। तभी यहाँ पे साओ चैन को दिखाया जाता है जिसे कि उसी रॉयल क्लैन का बंदा कहते हैं वैसे भी ये तुम्हारा लास्ट मौका है यहाँ पर, तुम अगर जाओ को ना मार पाए ना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जहाँ पर वो लड़का यानी साओ चैन भी कहता है अरे मुझे ये मौका मिला बहुत ही अच्छा हो चलो अभी जाओ को यहाँ पर आने दो सब मिलकर ना अभी जाओ का ठिकाने लगा देंगे। जहाँ पर जाओ ऐसे कुछ ऊपर से सुना तभी यहाँ पर जाओ कहता है देखो तो ये बंदा कितना बेस्ट है, उस दिन आसानी के साथ मैं इसे मार सकता था बेकार में ही जान दिया। तभी वो देखने के बाद ना अभी मिस यंग कहते तो माय लॉर्ड क्या मैं इसे जाके मार दूँ, लेकिन तभी नैन कहते रुको रुको मुझे कुछ करने दो। और यहीं पर ही हम लोग नैन अपने बूबू से
एक स्क्रोल को निकालते हैं और तभी हमें उसी स्क्रोल के अंदर से एक ड्रैगन का पेंटिंग बाहर निकलता है जो कि एकदम जिंदा था और जिसे कि हम लोग नैन कहते हैं कि जाओ जाकर उसी बंदे के साथ ना थोड़ा सा मजा करो। और जो सुनने के बाद ना वो ड्रैगन था बाकी सारे यंग मास्टर की तरफ बनने लगता है और ये देखने के बाद बाकी सारे यंग मास्टर चिल्लाने लगता है और कहते हैं कि ये कौन से तरह का अजीब है, इसे तो मैंने पहली बार देख रहा हूँ। लेकिन तभी ना वो लोगों को छोड़ते हैं जो पेड़ था उसके ऊपर जाकर धड़ाम करके टकरा जाता है और जिसके चलते ऊपर जितने भी मधुमक्खी के छत्ते थे ना सब तो हिल जाते हैं और जहाँ से जितने सारे मधुमक्खी थे सब बाहर निकलते हैं। और ये देखने के बाद ना बाकी सारे बंदे डर के मारे कहते हैं अरे भाग लो आज तो हम लोग मर गए। लेकिन वैसे भी हम लोग ऊपर से नहीं खड़े, किस बंदे ने किया, किस बंदे का इतना साहस है। तभी यहाँ पे ऊपर से ये सब जाओ देखते हुए बहुत ही मजा ले रहा था और कहता है कि मिस डैन आपने तो बहुत बढ़िया काम कर दिया, वैसे भी मैं अभी साहस इनके पीछे जा रहा हूँ, अभी आप लोग ना यहीं पर रुक के रहो और जो बॉक्स है ना टाइम करके ले लेना। और यहीं पर दूसरे और हम लोग को साओ चैन को दिखाया था जो कि भागते भागते सोच रहा था पता नहीं किस बंदे को इतना हिम्मत हो गया कि हम लोग को पीछे से अटैक करे, एक बार मिलने दो उस बंदे को छोड़ूंगा नहीं। तभी वो भागते भागते ना अपने सामने एक रुइन कैसल दिखता है और जिसे देखने के बाद कहते हैं चलो इसके अंदर ही थोड़ी देर के लिए ना छुपा जाए। और तभी ये सोचने के बाद उस कैसल के अंदर घुस जाए, अंदर घुसने के बाद ना झटपट करके जो दरवाजा था उसे तो बंद कर देता है। और तभी वो जब नीचे बैठ ही रहा था तभी वो देखते हैं उसके सामने कोई आ चुका है। तभी अच्छे से देखने के बाद ना वो डर जाता है और कहते हैं तुम यहाँ पे कैसे आ चुके हो, मैंने तो अपना जो दरवाजा उसे तो अच्छे से दे दिया। तभी यहाँ पे जाओ को दिखाता है जो कि अपने तलवार ड्रैगन और बाइक के साथ खड़ा हुआ था और कह रहा था ओहो तो देखो यहाँ पे मेरे सामने कौन है। और तभी उसे देखने के बाद ना वो बंदा डर जाता है और कहता है वैसे भी मैंने रॉयल क्लैन के साथ यहाँ पे जुड़ा नहीं हूँ, मैं तुम्हारे भाई के पीछे नहीं था। तभी जाओ कहता है मैंने एक बार पूछा था क्या, और इसी के साथ जो तलवार था ना उसके गर्दन के पास रखता है और कहता है वैसे भी आज तो तुम मरने वाले हो। लेकिन तभी ना जो जाओ था वो भी यहाँ पे कहता है मैं मरने से पहले तुम्हें मार के जाऊँगा। और इसी के साथ अपने जो ड्रैगन था उसे समन कर लेता है। यहाँ पे हम लोग जाओ भी नोटिस करते हैं ये बंदा जिस ड्रैगन को यहाँ पे समन करें ये ऐसा वैसा कोई ड्रैगन नहीं, और इसी के साथ में धराम करके आवाज होता है जहाँ पे जाओ पीछे चला जाता है और यहीं पर ही बाइक उसे मदद कर रहा था। लेकिन तभी जब यहाँ पे धुआं आता है उसके सामने एक पर्पल गोल्ड डीमन ड्रैगन को दिखाया था और इसे देखने के बाद ना वो बंदा जाओ से बहुत ही जोर से हंस रहा था और कह रहा था कि देखो मेरा जो ड्रैगन है ना ऐसा वैसा कोई ड्रैगन नहीं है, ये एक डीमनिक ड्रैगन है और ये ना ड्रैगन लॉर्ड के दर्जे में आता है और वो भी पीक में। तुम जाओ मैंने बेटे यहाँ पे करना क्या चाहता हूँ, मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे पास ना सॉर्ड कल्टिवेशन का की नहीं है, बेकार में ही यहाँ पे सॉर्ड लेके आ चुके हो और वैसे भी तुम्हारा जो छोटू सा ड्रैगन है ना बाकी वो भी मेरे ड्रैगन के सामने इतू सा भी टिक नहीं पाएगा। जहाँ पे दूसरे और हम लोग जाओ ना अपना जो ड्रैगन और सॉर्ड था उसे निकाल लेते हैं और कहता है कि देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। और हम लोगों ने पिछले वाले एपिसोड में देखा ही था ये जो ड्रैगन सॉर्ड और था ना इसने बहुत सारे तलवार को जिसके ऊपर की इंक्रिप्शन लिखा हुआ था उसे इसने सोख लिया था जिसके चलते अभी उसका पावर बहुत ही बढ़ गया था। और यहीं पर ये देखने के बाद अभी हम लोग जावजन कहते हैं कि तुम्हारे पास सॉर्ड कल्टिवेशन का की कहाँ से आ गया, तुम्हारे पास तो ये पहले नहीं था। जहाँ पर कुछ ना उत्तर देते हुए हम लोग जाओ उसके तरफ ना एक जोरदार अटैक कर देते हैं और इसी के साथ ना वो जो ड्रैगन था और ड्रैगन का मालिक यानी सावसन उन्हों के ऊपर ना एक जोरदार अटैक करते हैं। और तभी यहाँ पे सावसन के मुंह से ना बहुत सारा खून आने लगता है और तभी अच्छे से देखने के बाद पता चलता है सावसन का यहाँ पे ना एक हाथ कट चुका था। और यहीं पर ही बेचारा सावसन अपने कटे हुए हाथ को लेने के बाद सोच रहा था मुझे लगता है ना अंदर से सोल रिक्वेल हो रहा है यानी कि इसका ड्रैगन अभी मर चुका है जिसके चलते अभी उसका जो सोल सी था ना वो एकदम तबाह हो चुका है। और यहीं पर ही ये वाला एपिसोड रहता है खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सयोनारा। और आप लोगों को क्या लगता है मैं पहले यो गाइस बोलना बंद कर दूं या ना करूं, जल्दी बोलो यार नीचे कमेंट कर दो।